नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मिलने के लिए निकल चुके हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात कर वो एक बड़ी रणनीति को अंजाम दे सकते हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात तेजस्वी यादव की कई मायनों में सबसे ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इससे पहले फ़ोन कॉल पर बातचीत और अब उसके बाद लगातार मुलाकात का जो ये दौर है वो जारी है। अब तेजस्वी यादव की ये मुलाकात आखिरकार बिहार की राजनीति में कौन से नए रंग लेकर के आएगी, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी की ये मुलाकात आप लोग को क्या लगता है कि किस पहलू की तरफ जो है इशारा कर रहा है और आखिरकार आने वाले समय में कौन सी राजनीति की तरफ जो है ये आगे की बुलंदियों को दिखाएगा, बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जहां हर जगह से खत्म हो रही थी वहीं अब सभी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने की जो कोशिश है कांग्रेस की वो सफल होती हुई नजर आ रही है। और अब तेजस्वी यादव जो अभी बिहार से बीजेपी की कमान छीन चुके हैं, उस कमान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सोनिया गांधी से मिलने के लिए निकले, आखिरकार उनकी ये मुलाकात को देख करके क्या बीजेपी के अंदर हड़कंप मच जाएगा, बीजेपी आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे संभालती हुई नजर आएगी, इस पूरे मुद्दे को देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन देखा यही जा रहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, बिहार में जिस सत्ता के लिए बीजेपी ने यहाँ पर लड़ाई जारी रखी थी, आज वही सत्ता तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुकी है और तेजस्वी यादव इसको लेकर के लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक विपक्ष के तमाम नेताओं को भी एकजुट करने की कोशिश में साफ नज़र आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा उलटफेर और हो सकता है। यहाँ पर सोनिया गांधी से मुलाकात तेजस्वी यादव की इस तस्वीर को देख करके आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।